दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा से एक नई स्कीम चालू की गई है औरतों के लिए, जिसमें क्या है, औरतों को जो है महिलाओं को 1000 रुपये महीने के मिलेंगे। और क्या है स्कीम जानने के लिए वीडियो को जो कंटिन्यू देखते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बताऊंगा कि आप जो किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस स्कीम का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि हर महीने जो है आपको, मतलब महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे, साल के जो है 12000 रुपये मिलेंगे, जिसके ऊपर देखा जाता है 1000 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। और ये किन किन लोगों को मिलेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज। तो इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा जो है आधार कार्ड है। महिला का जो है आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड का आपको इसमें जो लगेगा, तो आधार कार्ड होना आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके बैंक खाते से लिंक हो, मतलब जो आपके अकाउंट में जुड़ा हुआ हो, वही मोबाइल नंबर इसमें चाहिए, क्योंकि अप्लाई जो करेंगे पैसा जो आएगा अकाउंट में आएगा, तो नंबर आपका जो है बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। तो ये दो तो हमारे दस्तावेज हो गए। दूसरे आते हैं आवेदन पूर्व तैयारियां। आपको इसमें तैयारियां क्या करके रखनी है, व्यक्तिगत बैंक खाता, मतलब महिला का एक खाता होना चाहिए, खुद का खाता होना चाहिए, ना कि जॉइंट वाला, क्योंकि काफ़ी होते हैं जॉइंट वाले खाते होते हैं, तो जॉइंट वाला नहीं होता है, जिसे महिला का स्वयं का बैंक खाता, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा, मतलब कि जॉइंट खाता जो होता है वो महिला का जो है मान्य नहीं होगा, वो इसमें नहीं चलेगा। तो महिला का जो है खुद का खाता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमारा ये था। और आता है बैंक खाता आधार लिंक ऐप DBC से क्रिया, मतलब कि आपके बैंक से जो है आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए, और ये DBC से क्रिया भी आपका जो है इसमें लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक नहीं है, आप कैसे जानना चाहते हैं, कैसे लिंक चेक करें कि आपका लिंक है नहीं, तो मैं बता देता हूँ। आपको आना है ना गूगल पर, यहाँ पर सर्च मारना है NPC, लिख के सर्च करना है, पहले लिंक आ जाएगा NPC का, इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद हमें देखो ऑप्शन मिल जाता है, इसमें देखने को थोड़े नीचे करेंगे तो कंज्यूमर वाला, कंज्यूमर को क्लिक करेंगे, कंज्यूमर के बाद ऑप्शन मिलता है भारत आधार, ये वाला ऑप्शन और लास्ट वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, महिला का आधार नंबर वो डाल देना है, और ये कैप्चा कोड जो आपको यहाँ पे पढ़ देना है, और नीचे चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके आधार पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे डाल देना है, मतलब कि भर देना है, और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा स्टेटस, देख सकते हैं। पहले ऑप्शन हमारा आधार नंबर शो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और जो है मैपिंग स्टेटस भी देख सकते हैं, इनेबल है हमारा OBDBT, मतलब कि इनेबल है, मतलब कि जुड़ा हुआ है हमारा, और ये किससे जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है कि आपको जो जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है तो आपका जो काम हो जाएगा, मतलब कि इसका मतलब होता है कि आपका जो है जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से चेक कर लेना है। अब आगे आपको जो करना है, योजना के उद्देश्य, योजना के उद्देश्य लेते हैं, तो देख सकते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनके अधिक राज्य में सहकार एवं पोषण तभी सुधार हो बनाए रखना, पहला ये है। और दूसरा आता है हमारा महिलाओं को अधिक रूप अधिक स्वामी दबाना बनाना, देख सकते हैं। और तीसरा हमारा आता है परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी सुविधा को प्रोत्साहित करना। तो ये तीन निर्णय हैं, मतलब योजना के उद्देश्य हैं। अब इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको बता देता हूँ मैं। तो इस पर आ जाना है आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा आवेदन पत्र, देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म मिलेगा, आपको जो ये प्रिंट करके निकाल लेना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है, और इसका एक प्रिंट आउट निकलवा के आपको फॉर्म जो है पूरा का पूरा भर लेना है अपना सही तरीके से, अपनी सारी जानकारी, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपको इसमें भर देने हैं। फोटो लगा के आपको यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, आपको फ़ोटो लग जाएगा, और आपको सही तरीके से इसे भर लेना है। इसे भरने के बाद एक ऑप्शन और मिलता है आपको शपथ का, तो शपथ का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये फॉर्म, इसको भी आपको प्रिंट आउट निकल के इसको भी जो है पूरे सही तरीके से आपको फिलअप कर लेना है। जो जो इसमें चीज़ें भरनी है आपको वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं इसे पढ़ने के बाद। तो पूरे अच्छे तरीके से आपको जो है इसको रीड करके और सही तरीके से इसको भर लेना है। उसके बाद आपको ये दोनों फॉर्म जो है आपको ले लेने हैं, फोटोकॉपी की लेनी है, और इसके साथ एक महिला के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। इसके बाद आपके आसपास जो
आंगनवाड़ी होगा, आंगनवाड़ी में आपको जो है जमा करा देनी है। अब आपको इसको स्टेटस चेक करना है, तो स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आप जो स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं तीन ऑप्शन दे रखे हैं, बेनिफिशरी से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी और आधार कार्ड के नंबर से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो हम जो आधार कार्ड से करने वाले हैं, आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है, अपना कैप्चर कोड आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जो सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस शो होने लग जाएगा कि आपका जो है फॉर्म जो आपने भरा है आपका अप्रूव हुआ है कि नहीं है। तो ये जो स्कीम है ये झारखंड के लिए, वो छत्तीसगढ़ के लिए महिलाओं के लिए है, अभी जो है सभी राज्यों में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए है। तो यही प्रोसेस रहने वाला है ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने का। अगर आप इसे अप्लाई कर देते हैं तो आपको जो है हर महीने आपको 1000 रुपये मिलने चालू हो जाएंगे, यानी कि साल के 12000 रुपये आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।